नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आप सबको यह दिखलाना चाहती हूँ कि मिट्टी के तवे पर चपाती कैसे बनती है। मिट्टी के तवे पर बनी हुई चपाती बहुत ही पौष्टिकता से भरपूर होती है, बहुत अच्छी और स्वादिष्ट होती है। सबसे पहले मिट्टी के तवे को गर्म होने चढ़ा देंगे। ये गर्म हुई कि नहीं इसे चेक करने के लिए थोड़ा सा आटा डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल ब्राउन हो गई है, तवा बिल्कुल गर्म है। अब इसके ऊपर बेली हुई चपाती को डाल देंगे। मैंने भी जब पहली बार मिट्टी के तवे पर बनी हुई रोटी खाई तो मुझे एहसास हुआ कि इसकी रोटी, इस पर तैयार की हुई रोटी मीठी होती है। इसके लिए आटा तो उसी तरह से गूंदना है, आटा बहुत अच्छी तरह से गूंदी हुई होनी चाहिए। साथ ही साथ ये देखें, जब ऊपर में रोटी की कलर चेंज हो जाए तो इसे इस तरह से उलट देना है। तवा उसी तरह की होती है जैसे लोहे की तवा होती है, उसी तरह की इसकी बनावट होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। बस इसमें आँच का ख्याल रखना पड़ता है। इसमें अगर बहुत तेज़ आँच से रोटी बनाएंगे तो रोटी जल जाएगी, पकेगी नहीं और स्वाद भी नहीं लगेगी। थोड़ा सा आँच को मीडियम रखें, थोड़ा आँच मेंटेन करना पड़ता है और इसकी रोटी बेहतरीन होती है खाने के लिए। इस तरह से इसे थोड़ा सा इस तरह से घुमा घुमा कर और सेकना होता है, क्योंकि ये बीच थोड़ी गहरी होती है तो रोटी बहुत अच्छी तरह से पक नहीं पाती है। और आँच हम लोग बहुत तेज़ रखते नहीं हैं कि पूरी तवा को पूरा लौ मिले। आँच इसमें तेज़ रखेंगे तो रोटी पकेगी नहीं, जल जाएगी। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह से इसे बनाते हैं, थोड़ा सा चलाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं इसको, वो बहुत ज़रूरी है। आप एक बार इस तरह से रोटी बनाकर खाकर देखें, आपको फ़र्क महसूस होगा। वास्तव में हम लोगों ने मिट्टी के तवे को अपने घर से हटा दिया है क्योंकि ये फूट जाती है, बहुत दिन चलती नहीं है, तो बार बार तवा लेने की ज़रूरत हो जाती है, इसलिए ये घरों से हट चुकी है। नहीं तो मिट्टी के बर्तन में बनाए हुए खाना बहुत स्वादिष्ट होती है। मैं तो मिट्टी के बर्तन में दाल बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। मैं आप सबको वो भी बनाकर दिखलाऊंगी। इस तरह से इसे घुमा घुमा कर दूसरे साइड सेकना है। देखिए अच्छी तरह से सिक गई है। अब पहली रोटी रहेगी तो एक कपड़ा साफ सुथरा रखें हमेशा किचन में, उससे इस तरह से दबा दें। अगर आटा अच्छी तरह से गूंदी होती है तो सारी रोटी फूल जाती है और इसकी स्वाद खाकर देखें पता चलेगी, बहुत अच्छी लगती है, बहुत मीठी लगती है ये रोटी। लोहे के तवा या किसी भी तवे पर बनी हुई रोटी से ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। ये देखिए कितनी अच्छी बन गई। इस तरह से इसे निकाल लेंगे दूसरी रोटी डाल देंगे और उसी तरह से फिर इसे उलट पलट कर पका लेंगे। कितनी अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनती है। जितनी अच्छी बनती है उतनी ही स्वादिष्ट होती है। आप इस तरह से मिट्टी के तवे पर चपाती बनाकर देखें और अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।